जब आप इसको डायरेक्ट कर रहे थे तो किन किन बातों का आपने ध्यान रखा था कि कैसे ऑडियंस से कनेक्ट कर पाएगी पिक्चर? सब्जेक्ट ही इतना स्ट्रांग था, स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रांग थी, मुझे पूरा यकीन था कि जब ऑडियंस देखेगी, जब वो इन कैरेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई करेगी, क्योंकि कैरेक्टर्स जो थे, जो मीरा का कैरेक्टर है, बहुत आइडेंटिफाइबल है, स्पेशली एक अर्बन ऑडियंस के लिए, और उनके साथ साथ जो जिस जर्नी पे मीरा और अर्जुन जाते हैं, ऑडियंस भी उनके साथ उस जर्नी पे है। तो जहाँ तक कि एज अ डायरेक्टर मैं जिस चीज़ों का ख्याल रखता था, आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर के जो ऑडियंस जब देखेगी वो एकदम इन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करके इनके साथ उस जर्नी पे जाएंगे। कृष्णा जी कई सारे एक्टर प्रोड्यूसर बन रहे हैं, हमने देखा अनुष्का शर्मा भी प्रोड्यूसर बने, आप भी प्रोड्यूसर हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप कंपटीशन काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, कंपटीशन क्या है, एज अ वुमेन इट मेनी इफ समबडी इज जॉइनिंग एट स्पेशली एन एक्टर हु बिलीव्ड इन द स्क्रिप्ट, अनुष्का वाई वुड शी प्रोड्यूस अ फिल्म, बिकॉज शी बिलीव्ड इन नवदीप, शी बिलीव्ड इन द स्क्रिप्ट, शी इज़ टेकन सच अ स्टेप टू एज प्रोड्यूसिंग अ फिल्म, देर मस्ट बी अ रीज़न, सो इट्स नाइस दैट समबडी ऑल्सो बिलीव, स्पेशली एन एक्टर ऑल्सो बिलीव, सो हैंड इन हैंड वी वर्क वेरी वेल। Nahin, I still follow my heart. I think you have to like the subject you are working on and believe in the subject you are working on. Jahan tak ki critical success hai ya box office success, if I think if you make a film honestly and you make it with your heart, people recognize that and hopefully you get both. बिल्कुल, और बढ़ना चाहिए क्योंकि हमारी ऑडियंस, हमारी जो देश की जनता है, 50% वुमेन एंड ऑडियंस मस्ट भी एटलीस्ट 30-40% वुमेन, तो वुमेन के लिए भी फिल्में बननी चाहिए जहाँ पे वो आइडेंटिफाई करती है मेन कैरेक्टर के साथ। It is equally important and good that the audience are loving women-centric films. And it's earlier it used to be only hero-centric. Now we have women-centric also. So it's good to see that Bollywood is enjoying different kind of genres, which is and accepting such kind of genres too. Producers के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि उनको सिर्फ हीरोज के पीछे नहीं भागना पड़ता, वो हीरोइन भी मिल सकती है उनके जिसके साथ चलते हैं। आप किन किन पैरामीटर्स को देखते हैं कोई फिल्म प्रोड्यूस करते वक्त? मेनली सबसे बड़ा हीरो और सबसे बड़ा चीज़ है कि स्क्रिप्ट, माय स्क्रिप्ट इज़ अ हीरो, इफ द स्क्रिप्ट इज़ वेरी गुड एंड आई बिलीव इन द स्क्रिप्ट, वी ऑल बिलीव इन द स्क्रिप्ट एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग फॉलोज। आपको बिलीव था कि फिल्म इतनी सक्सेस होगी? हाँ, बिलीव था, लेकिन यू ऑलवेज आर लिटिल स्केयर्ड कि हाउ द ऑडियंस विल टेक, बिकॉज टिल डेट वी कैन नॉट जज द ऑडियंस, वी मेक गुड फिल्म्स, वी वॉन्ट टू मेक सच काइंड ऑफ फिल्म्स दैट वी बिलीव इन, बट ओनली व्हेन यू रिलीज इट देन यू रियलाइज कि यू नो या वी हैव गॉन इन द राइट डायरेक्शन। अब वो इंटेंस लुक में है, तो कितना एक्सपेरिमेंटल उनके लिए था करना? शी इज परफॉर्म ब्रिलियंटली, आई जस्ट एंजॉयड हर परफॉर्मेंस, शी वाज, आई एम श्योर द ऑडियंस आर लविंग इट बिकॉज शी वाज गुड एंड अनडाउटली शी वाज ब्रिलियंट, सो एज एन एक्टर शी वुड ऑलवेज लाइक टू टच डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर्स, शी इज डन एज वी सीन हर अर्लियर परफॉर्मेंस टू, so it's good to touch all kind of genres as a heroine. Navdeep, after Anushka, what kind of a genre you will prefer? Like this is a real story, so what would you prefer? As a director, I'm open to all genres, चाहे वो comedy हो, चाहे वो drama हो. It's really again the subject. जो उस genre के अंदर जो script है, it has to touch me somewhere within my heart. I have to believe that it's interesting for me. So any plans to work with Anushka again? 100%. 100%. How was it working with Anushka? Like she's a star when we started doing movie, and as compared to her, you were like a little newcomer into direction. So was it any tantrum, or as a producer, what would you like to say about Anushka working with her? It was equally good working with all the producers too, because all were creative producers. So as Anushka also, I would say she's very creative too. It was fun working with her. So, कब तक आ जाएगी part 2 फिल्म में?
May 29th we're planning to release Tanu S. Manu season 2. No, this Anurag Kashyap is a director and his film is a zone. So we will also see you in the same way in the future. Like now NSN is also on the same platform. So Gangs of Wasseypur ka bhi रियलिस्टिकली हैंडल करना पड़ता है क्योंकि वो सब्जेक्ट एक किस्म का है या किसी इम्पोर्टेंस का है, जैसे कि ये जिसमें इसमें ऑनर किलिंग वगैरह थी, तो मेरे को लगा था कि इसको एकदम रियलिस्टिकली करें तो उतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। बट कई कई फिल्में होती हैं या कई कई स्टोरीज होती हैं जिसमें रियलिज्म की ज़्यादा फैंटेसी की जरूरत होती है या कुछ ग्लैमर है, ग्लैमर की जरूरत होती है, तो इट रियली डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट। हाईवे भी आई थी जी, आलिया भट्ट जी, तो वो भी एक जोन था। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की फिल्मों का एक जोन आ रहा है जो रियलिस्टिक अगली अभी आई थी आपने देखा, जी जी, तो कितना मायने रखता है ये बॉलीवुड के लिए? बहुत ज़्यादा। आई थिंक कि आजकल ऑडियंस बहुत सारा, स्पेशली बिकॉज ऑफ सैटेलाइट एंड टेलीविजन, उन्होंने बहुत सारे अभी अलग अलग किस्म की फिल्में उनको देखने को मिलती हैं, फॉरेन फिल्म वगैरह, तो उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो गई है अब ऑडियंस, और उनको भी अपने लोकल कंटेंट में चाहिए कि बहुत अलग अलग किस्म की चीज़ें मिलें उनको, तो आई थिंक ऑडियंस टेस्ट चेंज हो गया है। फिर आप बॉलीवुड क्या आप तैयार हो चुका है रियलिस्टिक फिल्मों के लिए पूरी तरह से? क्योंकि अब तक क्या होता कि फैंटेसी दिखाई जाती थी, लव दिखाया जाता था, प्यार दिखाया जाता था, लेकिन अब पूरी तरह से चेंज हो रहा है। अब आप लोग भी ये जान गए हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं? नहीं, हम अभी भी नहीं जान पाए कि लोग क्या देखना चाहते हैं, बिकॉज यू लोग अभी भी लव स्टोरी देखना चाहते हैं, लोग अभी भी ऐसे रियलिस्टिक देखना चाहते हैं, हर काइंड ऑफ जॉनर देखना चाहते हैं। एक एक सब्जेक्ट पे हम अटक नहीं सकते, हमको हमेशा डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट ट्राई करना चाहिए। आप दोनों लोग से बारी बारी से जाना चाहूँगा कि अगर कंटेंट किंग होता है तो हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्में क्यों चलती हैं, दबंग जैसी फिल्में क्यों चलती हैं? जैसे मैंने अभी कहा, वी हैव टू ट्राई, वी ऑडियंस लव, यू कैन नॉट जज द ऑडियंस, दे लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर्स, समटाइम्स यू जस्ट यू नो एवरीबडी हैज सम प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, नोबडी इज लाइक हैप्पी गो लकी कि कुछ नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में, यू जस्ट वॉन्ट टू लीव योर ब्रेन्स बिहाइंड समटाइम्स एंड जस्ट वॉच समथिंग एंड जस्ट इन्जॉय एंड कम। सो एज वी आर फ्रॉम दिस इंडस्ट्री, वी हैव टू टच डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर्स, entertain people. Some people like to be entertained with comedy, some people like to be entertained with realistic, people are enjoying all kind of genres because you need variety. Variety is the spice of life. Variety bahut important hai, I think especially kyunki agar aap isko comparison leke, jaise कभी हमें गोलगप्पे खाने का मूड करता है, कभी समोसे खाने का मूड करता है, कभी दाल चावल खाने का मूड करता है, अलग अलग चीज़ें, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार आप नहीं खा सकते, क्योंकि कभी आप चिकन खाएंगे तो कभी आपको सड़क से सैंडविच भी मन करता है कि सड़क वाली सैंडविच खानी है। तो ऑडियंस उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करता है, आप लोगों को कहने का यही मतलब है जी? कोई भी ऑडियंस, जैसे सलमान दबंग में जो रोल कर रहे हैं, नहीं इतना ही नहीं है कि ऑडियंस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट करे, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अलग अलग फिल्मों में अलग अलग रस मिलता है, एक अलग अलग फीलिंग आती है। आप दबंग देखें, आप बहुत एंटरटेन्ड होते हैं, आपको सलमान खान बहुत कूल लगते हैं, जो जैसे वो अपने गॉगल्स पहनते हैं उससे मज़ा आता है, तो वो एक अलग एक अंदाज है, एक अलग फीलिंग आती है उसको देख के। पर आप जब सलमान का पिक्चर देखने जाते हो, यू एक्सपेक्ट दैट ओनली कि ही इज़ गोइंग टू एंटरटेन अस फुल टू, एंड यू एंजॉय दैट, यू वांट टू सी दैट, सो ऑब्वियसली थैंक यू।